हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैप्ट कैम डिज़ाइन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस शीट करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पार्ट मॉडलिंग के टूल्स की कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं दिखा देता हूँ आपको किस टाइप के मैं पार्ट्स की मॉडलिंग करने जा रहा हूँ। ये देखिए, मेरे पास 3-4 पार्ट्स की ड्राॅइंग पड़ी हुई है, जिसमें से मैं ये फर्स्ट वाला बनाने जा रहा हूँ। ये एक पार्ट है जिसमें इसका आइसोमेट्रिक व्यू दे रखा है, जिसमें आपको डायमेंशनिंग दे रखी है, होल है, इसमें आपका पार्ट मॉडलिंग कई सारे टूल्स आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं क्रियो। क्रियो स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं अपना वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी सेलेक्ट हो गई। अब हम न्यू पे जाके पार्ट मॉडलिंग के लिए पार्ट मॉडलिंग सेलेक्ट करते हैं। तो न्यू पे गए, पार्ट पे आ गए, इसको अनचेक किया, इसको हम डाल देते हैं पार्ट 1। इसको ओके कर दीजिए। डायमेंशनिंग हमारा MMNS पार्ट सॉलिड कर दिया। तो ये आपका इंटरफेस ओपन हो गया। अब हम इसमें करने जा रहे हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड मीन्स होता है कि जब आपके 2D स्केच जो भी आप बनाते हैं उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो डायरेक्ट हम एक्सट्रूड पे आ जाते हैं और हम लेके चलते हैं फ्रंट। फ्रंट पे क्लिक किया, इन सबको अनचेक किया। फ्रेंड्स, किसी भी पार्ट को बनाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, और उसमें लेकिन सबसे बेसिक जो है कि आप लोग सबसे पहले सेंटर लाइन खींच दिए, ताकि आपको सिमेट्री बनाने में आसान हो। तो वाला पार्ट मैं ओपन करता हूँ। तो ये पार्ट है जिसमें आप इसमें आप देख रहे होगे कि ये एक एरो शो कर रहा है जिसपे F लिखा हुआ है। F का मतलब हो गया फ्रंट व्यू। तो ये वाला पोर्शन हमारा फ्रंट व्यू है, और देखिए इसमें लिखा हुआ ऑल डायमेंशन इन MM, सारा मिलीमीटर में है। तो मैं भी इसमें MM में ही लेके चल रहा हूँ। अब इधर से पार्ट बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, आप इधर से जब देख रहे हैं तो इसका सॉलिड पार्ट में ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है सॉलिड में, और ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो एक जगह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेस बना लेते हैं। सबसे पहले बेस में आप देखिएगा, आउटर डायमेंशन 120 mm दे रखा है इसका, हाइट इसकी 15 mm दे रखी है, एंड डेप्थ इसकी 80 mm दे रखी है। तो ये 3 डायमेंशन लेके स्टार्ट करते हैं। बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक तरीका है, जो आपके लिए कन्वीनियंट होगा, मैं वो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो जैसे फ्रंट है, फ्रंट से आप यहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 120, 80 एंड 15, ये 3 डायमेंशंस को आप अपने माइंड में लेके चलिएगा। तो इस पे आ जाइए। सेंटर लाइन बनाने से क्या होता है, ये आपको सिमेट्री ट्रेस कर लेता है। तो ये दोनों आपस में सिमेट्री हो गया। यहां पे हो गया 120 mm, ये हो गया आपका 15 mm, और डेप्थ आपकी जो दे रखी है, डेप्थ आपकी 80 mm दे रखी है। अब देखिए, यहाँ पे ये स्लॉट भी कटा हुआ है। ये स्लॉट का क्या मतलब है, ये पीछे से इसमें ये एक्सट्रूड पूरा फाइनल तक कटा हुआ है, जिसकी डायमेंशन 60 mm है फ्रॉम द सेंटर 30-30, और इसकी जो हाइट है ये 5 mm है। तो इस चीज को भी लेके चलते हैं, 60 एंड 5 mm। तो इसमें एक रेक्टेंगल हम एक बनाते हैं, जिसकी जो ये वाली डिस्टेंस है ये 60 mm है एंड ये 5 mm है। अब देखिए, ये इसमें क्या आ रहा है, इसको मैं चेक कर देता हूँ। देखिए, इसमें ये लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, जिसकी वजह से ये सॉलिड आपको नहीं दिखा रहा है। तो हमें इस पार्ट को ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम कमांड के लिए ये इसका ट्रिम कमांड होता है, या डिलीट सेगमेंट इसको कह सकते हैं। इसको क्लिक करिए, इस पार्ट को कर दीजिए। अब देखिए, आपका ये डार्क येलो में आ गया, इसका मतलब है कि अब आपका पार्ट एक्सट्रूड होने के लिए रेडी है। अब ये बन गया। अब इसका डेप्थ कितना हमने देखा था, डेप्थ है इसकी 80 mm। तो 80 mm आप यहां से जब ओके करेंगे तब ये डेप्थ मांगेगा। इस टूल के साथ आप इससे ले सकते हैं कि ये अपने आप ये सेंटर पर आ जाएगा, जो सिमेट्री का सेंटर हो जाएगा, और इसको आप ले लीजिए 80 mm, 80 mm कर देंगे। तो देखिए, ये आपका बेस रेडी हो गया है। इसको आप सेव कर दीजिए पहले, ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में सेव हो गया। अब आपका ये नीचे का बेस रेडी हो गया है, जिसमें ये फ्रंट हम लेके चल रहे थे।
ये वाला पोर्शन इसका रेडी हो गया है नीचे का। अब हम इसमें देखिए, इसमें होल्स दिखा रहे हैं, इसमें चार होल है जिसका डाया है आपका 10 mm, 10 mm डाया है। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके होल्स कर लेते हैं। होल्स का डायमेंशन देखिए, टॉप से अगर आप देखते हैं ये टॉप व्यू है, ये देखिए ये शो कर रहा है टॉप व्यू, यहां से आप देख रहे हैं टॉप व्यू में, तो ये चार होल है इस पे। तो होल्स की डायमेंशंस क्या है, डाया जो है वो 10 mm है और इसकी डिस्टेंस आप देखिएगा 50 mm, अगर आप इसको सेंटर से देखेंगे तो 25 इधर 25 इधर, और अंदर साइड में अंदर की इसकी डिस्टेंस जो आ रही है ये देखिए दे रखा है 90 mm, तो सेंटर से ये 45 mm पे अंदर साइड में है 10 mm, और ये हो जाएगा 10 mm का डाया 90 एंड 50। तो एक कर लेते हैं, बाकी सबको हम मिरर कर देंगे। तो एक होल को कर लेते हैं इस होल का, तो इसको इस होल को हम ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा ही कर देते हैं ताकि आपकी तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाला होल हमें करना है। इस होल को करने के लिए आप फिर से एक्सट्रूड लीजिए, टॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आ गया। अब आपको ये होल करना है। अब ये होल आप या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या पहले रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये रेफरेंस पॉइंट नहीं सेलेक्ट किया इसलिए सेंटर से ले रहा है। अगर आपको रेफरेंस सेलेक्ट करना है तो आप इस पॉइंट पे जाके आप रेफरेंस सेलेक्ट करिएगा, तो ये रेफरेंस पॉइंट ले लेगा। तो देखिए अब ये डायमेंशंस इस रेफरेंस पॉइंट से ले रहा है जो आपने डाला है। अब इसका देखिए, आपको डाया पता है 10 mm, अब ये कह रहा है सेंटर से ये 50 mm है, 25 mm है और सेंटर से 45 mm है। अब इनका सेंटर लेके चलते हैं, रेफरेंस ले लीजिए। ये डायमेंशंस इस केस में यहां से ना लेके सेंटर से लेके चलते हैं। अब ये सेंटर से इधर से दिखा रहा है 25 mm और इधर से दिखा रहा है 45 mm। अब ये टॉप से मैं बता रहा हूं, ये टॉप है, टॉप से आपका ये आ रहा है 25 mm, मतलब ये 50 है, सेंटर से 50 है, मतलब सेंटर से 50 पे डिवाइडेड है, इसका मतलब 25 इधर 25 इधर, तो एक तरफ 25, तो ये 25 ले लिया। ये डाया दे रखा है, ये फोर होल्स का मतलब इसमें चार होल दिए हुए हैं, डाया 10 है तो 10 का ये डाया हो गया, और ऐसे ये 45 mm, मतलब ये 90 है सेंटर से, तो 45 इधर हो गया, तो ये सेंटर लाइन होगी 45 हो गया। अब आप इसको जैसे ही ओके करेंगे तो इसमें दिखा रहा है कि अभी ये एरो अप साइड दिखा रहा है। अब आप इसको कर दीजिए डाउन साइड, अभी ये सॉलिड है, अभी ये आ रहा है सॉलिड। अब आपको इस पोर्शन को डिलीट करना है, तो आप यहां पे जब टच करेंगे तो रिमूव मटेरियल का एक टैग दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करिए, तो ये यहां से रिमूव हो गया, आपका एक होल हो गया। अब ये चारों होल सिमेट्री पर हैं, आप यहां से प्लेन ऑन कर लीजिए, आप इस होल को सिलेक्ट करिए, तो देखिएगा आपका ये मिरर एक्टिव हो जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करिए, मिरर को एक्टिव करिए, आप इसको क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। अब ये दो होल आपके आ गए, इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट, इसको एंड इसको सिलेक्ट करिए, मिरर पे जाइए, इसको सिलेक्ट करिए एंड ओके, आपके चार होल रेडी हो गए। अब आप इसको सेव कर लीजिए, ये देखिए आपके चार होल्स बन गए, बेस आपका रेडी हो गया। अब आपका ये जो सर्कल वाला पोर्शन है और ये सॉलिड है और एक ये पोर्शन है, तो अब हम इस पार्ट को रेडी करते हैं, ये लास्ट में बनाएंगे। अब इस पोर्शन को रेडी करते हैं, अब इस पोर्शन का आप थोड़ा सा डायमेंशंस चेक करिएगा, ये दिखा रहा है सेंटर पर है, ये एग्जैक्ट सेंटर पर है, ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब आपका ये दिखा रहा है इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, इसकी विड्थ अगर आप देखें तो ये देखिए ये दे रहा है 60 mm, 60 mm का मतलब हो गया इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 60 mm है, ये इसकी जो डेप्थ है ये 60 mm है, डाया इसका दे रखा है, अच्छा देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट जो है वो ये भी 60 है, डेप्थ भी 60 है, और इसका ये देखिए डाया शो कर रहा है, इनर डाया है 50 mm, आउटर डाया है 70। तो इन डायमेंशंस को लेके चलते हैं, इन डायमेंशंस को माइंड में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये सेंटर से है, प्रॉपर डाइम आप ड्राइंग चेक करिए, तो देखिए सेंटर से दिखा रहा है, तो फिर आप एक्सट्रूड पे जाइए, सेंटर को सिलेक्ट करिए, इसको सिलेक्ट करिए, तो आपका ये प्लेन हो गया। आप यहां से सेंटर लाइन कर दीजिए और रेफरेंस ले लीजिए, इस केस में ये रेफरेंस हमको लेके चलना पड़ेगा,
और ये रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा। आप ड्राइंग देखिएगा, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो इजीएस्ट वे है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले ये दो सर्कल्स रेडी कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया, एक सर्कल, दो सर्कल। छोटा जो सर्कल का डाया है वो है 50 mm, और बड़े डाया का जो डायमेंशन है वो है 70 mm। सबसे पहले ये हो गया। अब ये सेंटर से कितना दिखा रहा है, 60, तो आप इसको कर दीजिए 60, 60 हो गया। अब इसकी डेप्थ जो है वो 60 mm डेप्थ है, 60 mm। लेकिन अब ये देखिए, ये नीचे इसके साथ एक सॉलिड बार भी है, तो आप इसको बाद में ही बना सकते हैं या एक साथ भी बना सकते हैं। तो आपके ये जो मॉडल ट्री में ये जो पार्ट्स के जो प्रोसेस हैं ये ज़्यादा लंबे ना हो, तो आप एक साथ कोशिश करिए कि जितनी चीज़ें एक साथ बन जाए अच्छा है। अब आप इसकी देखिए, इसकी जो थिकनेस है वो देखिए 10 mm है। तो आप एक रेक्टेंगल पकड़िए, सेंटर लाइन बनी हुई है, और आप इसको ले आके यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जो डायमेंशन दिखा रहा है 9.99, इसको आप कर दीजिए 10 mm। और आप अभी भी देखिए, ये अंदर का पार्ट वो दिखा रहा है और ये बाहर का खाली दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका इसके वजह से। अब आप इसको जब डिलीट करोगे, जब आप इस पार्ट को डिलीट करोगे तो ये दिखने लगा। अब ये जो डार्क येलो बन गया है ये अब एक्सक्लूड होने के लिए रेडी है। अब देखिए, ये उसी के जैसा लग रहा है, ठीक है। अब इसकी डेप्थ जो है वो 60 mm है, तो अब आप इसको क्या कर दीजिए, ओके करिएगा। अब ये एक साइड जा रहा है, तो आप इसको सेंटर से करने के लिए आप यहां पे आके इसको सेंटर कर दीजिए और इसको कर दीजिए 60 mm। ओके, यहां तक बन गया, इसको ओके कर दीजिए। आपका देखिए यहां तक पार्ट रेडी हो गया, सेव कर दीजिए। अब इसके बाद आता है ये वाले पॉइंट के। अब ये बनता है, एक टूल आता है, मैं उस टूल को आपको दिखा देता हूं। ये ट्रेजेक्ट्री के थ्रू ये बनता है, सिंपल है, एक ही स्टेप का है। अब आपका केवल यही चीज रह रही है, अब आपको इसको बनाना है, ठीक है। अब आपको इसको बनाना है, तो आप अब क्या करिएगा, अब देखिए ये दिखा रहा है कि इस कॉर्नर से 35 mm अंदर है। हाइट इसकी आप सेंटर ही ले लीजिए, सेंटर ही दिखा रहा है, ये सेंटर पे जा रहा है या टेंजेंट है इसके, तो टेंजेंट ले लीजिए। ये सर्कल के टेंजेंट है और यहां से आपका 30 mm है। अब ये ट्रेजेक्ट्री पार्ट कैसे बनता है, ये रिब से बनता है। ये देखिए, ये रिब आ रहा है, इसमें ट्रेजेक्ट्री पार्ट है, ये प्रोफाइल रिब है, तो ये प्रोफाइल रिब से बनेगा। मैं दिखाता हूं कैसे बनेगा। प्लेन ऑन कर लीजिए, सेंटर पे है तो कौन से प्लेन पर है, आप रिब पर जाइए, प्रोफाइल रिब पे जाइए। कौन सा सेंटर है, इस सेंटर पे है, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए, रेफरेंस पॉइंट यहां से ले लीजिए, यहां से ले लीजिए एंड यहां से ले लीजिए, ओके। अब देखिए ये दिखा रहा है 35 mm, 35 mm पे एक पॉइंट बना लेते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं 35 mm पे। ये पॉइंट है ना, पॉइंट। अब ये पॉइंट पहले बना लेते हैं, कितना है, यहां से आप इसको डायमेंशन दे दीजिए 35 mm, 35 mm, ये 35 mm हो गया। लेकिन कुछ एक सेकेंड, अब मुझे कुछ डायमेंशन गड़बड़ लग रही, क्योंकि प्रोपोर्शन में नहीं लग रहा। अब इसको चेक करिए, डाया चेक करूं, डाया 70 है, डाया 70 है, इनर डाया 50 है, इनर डाया 50 है, ये टोटल जो है, अच्छा, सॉरी, देखिए ये जो है ये मैंने सेंटर से बना दिया है, ये सेंटर से नहीं है, ये देखिए ये इस पोर्शन से 30 mm अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जाइए, अब जैसे कोई इस तरह की है कि आपने कोई ड्राइंग बना ली है और आपको बाद में इसको कुछ एडिट करना है, तो ये पार्ट एक साथ बना था, आप इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, एडिट डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप इसमें एडिट कर सकते हैं, प्लेसमेंट में जाके एडिट कर दीजिए और इसको यहां कर दीजिए। अब ये जो मैंने ये सेंटर से बनाया था, ये सेंटर पे नहीं है, ये इस पोर्शन से 30 mm पे है, 30 mm पे, तो सेंटर पॉइंट को हम यहां से हटा देते हैं, ओके। अब
इनका डायमेंशन हम लेते हैं डायमेंशन यहां से ये कॉर्नर, अब ये दिखा रहा है 60, तो अब ये कौन साइड दिया हुआ है इसको आप डिलीट कर दीजिए, कौन साइड का मतलब हो गया सेंटर पॉइंट पे जो था इसको आप डिलीट कर दीजिए। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं, अब आप इसको कर दीजिए 30, ऐसे ही इसको भी ले लीजिए अंदर की तरफ सर्कल पकड़ के 50 mm कर दीजिए। अब देखिए ये 10 mm ओके है, सिमेट्री ओके है, सिमेट्री चेक कर लेते हैं एक बार, सिमेट्री ओके है, सिमेट्री ओके है, ये यहाँ से 25 है और प्लस प्लास आपका 30 mm हो गया, अब सब कुछ ओके है, इसको आप ओके कर दीजिए, ये आपका एडिट हो गया। ठीक है, अब आपको ये वाला पोर्शन बनाना है, ये वाला पोर्शन बनाने के लिए आपको डायमेंशंस पता लग गई, मॉडल पे जाइए, रिप पे जाइए, प्रोफाइल रिप पे जाइए, सेंटर पॉइंट लीजिए, इसको खोलिए, ओके, प्लेन्स को ऑफ कर देता हूँ, रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, एक इसको ले लीजिए रेफरेंस पॉइंट, एक इसको ले लीजिए एंड एक इस लाइन को ले लीजिए, ओके। अब एक पॉइंट हम बना लेते हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका कितना है 30 mm, ये देखिए ये जो डेप्थ आ रही है 35 mm ले लीजिए, और ये इसके ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री का हो गया, तो अब आप एक सॉलिड लाइन लीजिए इस पॉइंट से लेके ये इसके टेंजेंट हो गया, इसको ओके कर दीजिए, ओके ओके हो गया। अब ये कह रहा है आपको ये बाहर की तरफ बनाना है या अंदर की तरफ बनाना है, तो हमें ये अंदर की साइड लेना है, तो इसको आप इस तरफ कर दीजिए। अब उसकी देखिए थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है 10 mm, तो इसको आप 10 mm कर दीजिए, 10 mm। अब देखिए ये सेंटर से नहीं बन रहा है, तो इसको सेंटर पे करना पड़ेगा हमें रेफरेंस, लेकिन आप कैसे ले सकते हैं, आप प्लेन पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करिए, अब आप इसको ले लीजिए 5 mm। ये जो 5 mm का मैंने एक नया प्लेन बना लिया है सेंटर प्लेन से, अब इस पे आप बना लीजिए ये चीज़ें, फिर मैं इसको 10 mm यहाँ क्लिक करिए, हो गया, प्लेन्स को ऑफ कर दीजिए, रेफरेंस ले लीजिए, पॉइंट बना लीजिए 35 mm, सिंपल लाइन इस सर्कल के टेंजेंट, ओके ओके कर दीजिए, इसको अंदर कर दीजिए, इसको 10 mm कर दीजिए, अब देखिए सेंटर पर आ गया, ओके कर दीजिए, तो ये देखिए आपका ये पार्ट एक, आप ये डॉटेड लाइन देख रहे होंगे, तो ये बैक साइड में भी एक ये पोर्शन बना हुआ है, और ये डैश लाइन दिखा रहा है, तो डैश पॉइंट से लगा हुआ है, तो यही सेम चीज इधर भी बना लेते हैं, प्लेन ऑन करते हैं, रिब लेते हैं, इधर वाला लेते हैं, सेंटर करते हैं, प्लेन हम ऑफ कर देते हैं, रेफरेंस पॉइंट ओके करते हैं, इसको ओके करते हैं ये, एंड आपका लाइन लेते हैं, लाइन आपकी इसकी टेंजेंट हो जाती है, ओके करते हैं, इसको थिकनेस देते हैं 10 mm, 10, तो आपका ये देखिए पार्ट रेडी हो गया, ये देखिए। अब आपको इसके डायमेंशंस चेक करने हैं, अब आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं, जैसे अब ये दिखा रहा है इस बेस लाइन से 60 है, अब मैं आपको फटाफट डायमेंशंस चेक करवा देता हूँ, एनोड पे जाइए, सॉरी एनालिसिस पे जाइए, मेजर पे जाइए, एंड ये हो गया डिस्टेंस। अब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट का 60 ओके है, डाया फटाफट चेक करना है, आप डाया चेक कर सकते हैं, आउटर का 70, अंदर का 50 ओके है, और
120 mm टोटल लेंथ देखनी है तो यहाँ से देख लीजिए, 120 mm आ रहा है, 80 mm आ रहा है, 60 mm आ रहा है, 5 mm आ रहा है, ये सब आप बाद में रीचेक कर सकते हैं। इसको होल टू होल डायमेंशन देख लेते हैं, यहाँ सॉरी यहाँ से ये देखिए 90 mm आ रहा है, यहाँ से 50 mm आ रहा है, 50 ओके है, ओके एवरीथिंग इज फाइन। तो फ्रेंड्स आपका ये पार्ट रेडी हो गया, होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो इसके सबसे पहले व्यूज को डायमेंशन, सबसे पहले प्लेन एक्टिव कर लीजिए। प्लेन एक्टिव करने के बाद आप इसको एक एक तरीके से, एक एक साइड से इसके व्यूज को समझते जाइए और धीरे धीरे करके इसके पार्ट्स बनाते जाइए। कोई पार्ट में गड़बड़ हो जाए तो आप उसको क्लिक करके, राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन कर दें, फिर आप उस पोर्शन में जाके प्लेसमेंट करके एडिट कर दें, तो आप उस पोर्शन में जाके आप एडिट दोबारा से कर सकते हैं। और उसको जब आप ओके करोगे तो आप जहां तक काम कर चुके हैं वही पार्ट उतना ओपन हो जाएगा, तो इसमें सब चीज़ ओके हो गई। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारी टूल्स उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको प्लेन्स के बारे में बता दिया, ये रिब नया कमांड था। तो रिब जैसे किसी भी पोर्शन को अगर आपको जोड़ना है इस टाइप से तो ये रिब कमांड से जुड़ता है। बाकी सर्कल और इसका एक्सट्रूड सब सिंपल कमांड है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये देखिए इस टाइप की आपकी 3D रेडी होगी। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टिल देन बाय, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें।